हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं पार्ट टू लेके आई हूँ सोमनाथ दर्शन। तो उस दिन मैंने 3 से 4 जगह आप सबको दिखाया था, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आए हैं। यहाँ भी मंदिर है, तो मंदिर मंदिर ही ज़्यादा है, और यहाँ पे बीच भी हैं, और यहाँ पे सामान भी बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं। सीप के, मोती के, शंख वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी पुराना मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं। और यहाँ पे देखिए, मंदिर के अंदर भी दुकानें लगी हुई हैं, और नोटिस किया होगा आपने कि इस तरह के जो पर्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी मिल रहे हैं। सभी जगह पे ये वाले पर्स मिल ही रहे थे, और मैंने भी एक लिया। उस टाइप के पर्स 100 रुपये का मिल रहा था वो पर्स। और ये देखिए, सीप का ही बना हुआ है, गेट पे लगाने का तोरण। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिरर है, सभी सीप के बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर तरह के पर्स हैं, तो पर्स जितने प्राइस में सभी जगह मिलते हैं, यहाँ भी उसी टाइप के थे, 200, 150, 100 रुपये का। और कपड़े वाला मैं दिखाती हूँ, मैंने जो लिया था। तो देखिए, यहाँ रेड कलर का आपने देखा, ये ऊन का बना हुआ है, मतलब उसमें जो बॉल्स वगैरह बने हुए वो ऊन के हैं, ऐसे तो कपड़े का ही है। तो मैंने रेड कलर का एक लिया था पर्स इस टाइप का, और 100 रुपीज़ में पड़ा था वो। और देखिए, यहाँ पे भी, ये हम दूसरी जगह आ चुके हैं, यहाँ पर भी इस टाइप के काफ़ी पर्स मिल रहे थे, ये कपड़े वाला। अब दूसरी जगह आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गुफा है एक, तो इसमें एक एक सिंगल लोग ही अंदर जा सकते हैं, और सिंगल लोग ही आ सकते हैं, और उसमें बैठ के जाना रहता है। अंदर में शंकर भगवान का मंदिर है। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद इस टाइप का एक आपको ग्राउंड दिखेगा,
यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा झील जैसा भी है, तो यहाँ पे फोटो वगैरह लेते हैं। यहाँ पे बैठने की भी जगह है, तो आप पीछे देख सकते हैं बड़ी सी झील जैसी है यहाँ पर। नेक्स्ट हम एक और मंदिर आ चुके हैं जो शंकर भगवान का ही काफ़ी पुराना मंदिर है, और यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिया था दूध, और ये 40 रुपये का था, एक लोटा 40 रुपये का था। ये बहुत ही पुराना है। शंकर भगवान का बड़ा सा शिवलिंग भी है यहाँ पे।